आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। फरुखाबाद में भाजपा युवा मोर्चा सम्मेलन का आयोजन, इस वक्त की बड़ी खबर। कार्यक्रम स्थल पहुंचे हैं भाजपा कार्यकर्ता, जहां युवा प्रदेश अध्यक्ष प्रांशु दत्त द्विवेदी ने किया है संबोधित। अखिलेश यादव पर जमकर बरसे प्रांशु दत्त, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आवास विकास के लोहिया मैदान में हुआ है सम्मेलन। फरुखाबाद में भाजपा युवा मोर्चा का सम्मेलन का आयोजन, कार्यक्रम स्थल में पहुंचे हैं भाजपा कार्यकर्ता। फरुखाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर, युवा प्रदेश अध्यक्ष प्रांशु दत्त द्विवेदी ने किया है संबोधित। अखिलेश यादव पर जमकर बरसे हैं प्रांशु दत्त, आवास विकास के लोहिया मैदान में हुआ है सम्मेलन। अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सड़क दुर्घटना में बाल बाल बचे हैं हनुमानगढ़ी के महंत, जहां काशी से अयोध्या लौटते समय हुआ है हादसा। पिकअप से टकराई महंत राजू दास की सफारी। सुल्तानपुर हाईवे पर हुआ है ये हादसा, जहां अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे। जहां सड़क दुर्घटना में बाल बाल बचे हैं हनुमानगढ़ी के महंत, काशी से अयोध्या लौटते समय हुआ है हादसा। पिकअप से टकराई महंत राजू दास की सफारी। सुल्तानपुर हाईवे पर हुआ है ये पूरा हादसा। प्राइम टीवी की खबर का बड़ा असर, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। यूपी बेसिक शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला सामने आया है, जहां पर 69,000 शिक्षक भर्ती पर सरकारी आदेश जारी किया गया। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की होगी भर्ती, 17,000 पदों पर की जाएगी नई भर्तियां। 6 जनवरी को दिए जाएंगे नियुक्ति पत्र, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्राइम टीवी की बड़ी खबर का असर हुआ है, जहां यूपी बेसिक शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला सामने आया है, जहां 69,000 शिक्षक भर्ती पर सरकारी आदेश जारी किया गया है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की होगी भर्ती। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नितिन फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो नितिन, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, आगे किस तरीके का फैसला लिया गया है 69,000 भर्ती पर? देखिए श्वेता, बताना चाहूंगा कि बड़े पैमाने पर प्राइम टीवी ने इस खबर को दिखाया था प्रमुखता से, और उसमें अभ्यर्थियों को भी उनसे भी उनका वर्जन जाना गया था, उनकी समस्या जानी गई थी। और उसके बाद लग रहा था ऐसा कि जल्द से जल्द सरकार इस पर कोई बड़ा फैसला ले सकती है, और उसी को देखते हुए एक बड़ा फैसला सरकार की तरफ से आज दिया गया है, जिसमें 69,000 शिक्षक भर्ती पर सरकारी आदेश जारी हुआ है। और अब बताया जा रहा है कि 17,000 पदों पर सरकार बहुत जल्द भर्ती करने वाली है। आज बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी की एक बैठक की लोकभवन में हुई थी लखनऊ में, जहाँ पर सभी अधिकारियों के साथ और सरकार के जितने भी जिम्मेदार हैं उनके साथ ये बैठक हुई थी। और बैठक में ही ये निर्णय लिया गया कि आने वाली 28 दिसंबर को अभ्यर्थियों की जो चयन सूची है वो जारी की जाएगी आरक्षित वर्ग की, और उसके बाद 6 जनवरी को इनको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। मतलब 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मामला था वो लगभग सुलझता हुआ दिखाई दिया है। नितिन, जिस तरीके से बोला जा रहा है कि 17,000 भर्तियों की नियुक्ति की जाएगी, बाकी शेष जो बचे हैं उनकी नियुक्ति पे कब विचार किया जाएगा? देखिए, सरकार धीरे धीरे ही कहीं ना कहीं सारी चीजों पर फैसला ले रही है। पहले चर्चा हुई, उसके बाद मीटिंग हुई, और उसके बाद ये फैसला लिया गया कि 69,000 में 17,000 जो भर्तियां हैं उसको उसमें अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा और उनको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। फिलहाल पहले 17,000 की भर्ती पूरी होगी, और उसके बाद आगे की जो भर्ती प्रक्रिया है उस पर भी सरकार चर्चा और विचार विमर्श करने के बाद उसे भी आगे की प्रक्रिया के तहत पूरा करेगी। नितिन, जिस तरीके से 17,000 भर्तियों पे बात की जा रही है, वो 17,000 भर्तियों पे आने के लिए मतलब किस तरीके से छटनी की गई है कि कौन से 17,000 लोगों को लिया जाएगा पहले? देखिए, आरक्षण को लेकर सबसे अहम बहस थी इस भर्ती में कि आरक्षण के जो जो प्रमुख नॉर्म्स होते हैं उनका उनका जो जिस तरह से उन्हें फॉलो करना चाहिए था वो फॉलो नहीं किया गया था, और उसी को देखते हुए कहीं ना कहीं सवाल भी पूछे जा रहे थे विभाग की तरफ से कि जब जो जो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग है उसकी तरफ से भी इस बात को कह दिया गया था कि भर्ती में जो आरक्षण की जो प्रक्रिया है वो सही तरीके से लागू नहीं की गई थी।
तो उसके बाद इस भर्ती को क्यों किया गया और ये आरक्षण की प्रक्रिया जब लागू नहीं हुई, जिस पर राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने भी अपनी सहमति जता दी थी, तो उसको देखते हुए ये जो अभ्यर्थी थे बीते 6 महीने से ज्यादा से अपना प्रदर्शन राजधानी लखनऊ में कर रहे थे, तो उन्हीं आरक्षण के अनाउंस पर ही अब इन भर्तियों को किया जाएगा। और उसके बाद जो 17,000 जिन पदों की भर्ती करने की बात हो रही है उसी के तहत इनको भर्ती किया जाएगा। श्रोता नितिन, जैसे 17,000 जो कैटेगरी बताई गई है, क्या इसमें कोई खास कैटेगरी के लोगों को मौका दिया जाएगा या सभी कैटेगरी के लोग इसमें शामिल होंगे? देखिए, ये कुल मिलाकर मेरिट के आधार पर ये भर्तियां की जाएंगी। 17,000 भर्तियां जो होनी है वो भी आज 17,000 भर्तियां होनी है, उसमें जो 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 प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में जो SC ST का जो आरक्षण का जो समीकरण है, उसके अलावा OBC का जो समीकरण है जिसमें 27% OBC और 21% SC ST का जो परसेंटेज है उसको लागू किया जाएगा, जो कि पहले लागू नहीं किया गया था। पहले करीब OBC का 3.86 और SC का करीब 16% ही भाग जो है वो इस्तेमाल किया गया था, लेकिन अब जो भर्ती प्रक्रिया की जाएगी आरक्षण की इन सीटों को देखते हुए और उसमें जो पूर्ण मानक है जिसमें 27% OBC और 21% SC है, उसके ही आधार पर इन भर्तियों को किया जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। कन्नौज पहुंची है DGGI की टीम। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इत्र कारोबारी पीयूष जैन के पैतृक आवास पहुंची है टीम, जहां प्रत्युष जैन ने खोला मेन गेट का ताला। 10 सदस्य टीम कारोबारी के बेटे के साथ पहुंची है। सदर कोतवाली के छिपटी मोहल्ले का है ये पूरा मामला। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कन्नौज पहुंची है DGGI की टीम, जहां इत्र कारोबारी पीयूष जैन के पैतृक आवास पहुंची है ये टीम। पीयूष जैन ने खोला है मेन गेट का ताला। 10 सदस्य टीम कारोबारी के बेटे के साथ पहुंची है सदर कोतवाली के छिपटी मोहल्ले का है ये पूरा मामला। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कन्नौज से बताई जा रही है ये बड़ी खबर। कन्नौज पहुंची है DGGI की टीम, इत्र कारोबारी पीयूष जैन के पैतृक आवास के पास पहुंची है टीम। प्रत्युष जैन ने खोला है मेन गेट का ताला। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम TV, सच साहस सरोकार।